हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, क्या आपको भी डीएमआई फाइनेंस के तरफ से प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर आ रहा है और आप सोच रहे हैं कि लोन ले या नहीं ले? अगर हम लोन ले लेते हैं तो क्या हाई इंटरेस्ट तो नहीं लग जाएगा या आगे चल करके मेरे साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो जाएगा? कोई भी अगर आपके मन में शंका है तो आज की इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल्स में बताएंगे कि इसमें क्या क्या प्रोसेस है, इसमें क्या प्रोसेसिंग फी है, क्या इंटरेस्ट रेट है और आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल्स में बताने वाले, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला बात ये आ जाता है कि डीएमआई फाइनेंस से प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर किन लोगों को आता है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर डीएमआई की तरफ से प्री अप्रूव्ड में लोन का ऑफर आ रहा है तो आप जरूर डीएमआई की तरफ से मोबाइल फाइनेंस करवाए होंगे। सैमसंग का अगर आपने मोबाइल फाइनेंस करवाया है और टाइमली पेमेंट किया है तो आपको लोन का ऑफर आ रहा होगा। तो लोन का जो ऑफर आता है तो उसके जरिए आप लोन ले सकते हैं, लेकिन लोन लेने में क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? हो सकता है कि आगे चल करके कोई परेशानी हो जाए, मेरे साथ कोई धोखाधड़ी हो जाए, आपके मन में ये शंका हो सकता है। तो इसका समाधान हम इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल्स में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि अगर आपको लोन की जरूरत है तो आप लोन का अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने से पहले आप कुछ बात जरूर जान ले। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो आपका लोन अमाउंट है, जो आपको लोन का ऑफर शो कर रहा है, उतना लोन आपको मिल जाएगा जो आपको प्री अप्रूव्ड पे लोन का अमाउंट शो कर रहा है, लेकिन उसमें से है 4% प्रोसेसिंग फीस काट करके प्लस उसमें कुछ जीएसटी काटा जाएगा। जो प्रोसेसिंग फीस होता है, जैसे कि 4% प्रोसेसिंग फीस लगेगा आपको, जो भी लोन अमाउंट होगा उसमें 4% प्रोसेसिंग फीस लगेगा और 4% प्रोसेसिंग फीस पर जो जीएसटी लगेगा वो दोनों मिला करके आपसे लिया जाएगा। तो 4% इधर प्रोसेसिंग फीस हो जाता है, उसके बाद 32% इंटरेस्ट रेट है इसका, 32% इंटरेस्ट रेट है जो कि सालाना है। ये ना आप सोचिए कि मंथली, सालाना है 32% जो कि एक साल का 32% इंटरेस्ट रेट है। तो अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन 32% इंटरेस्ट रेट रहेगा और जो आप लोन अप्लाई करेंगे, जो लोन अमाउंट होगा उसमें से 4% प्रोसेसिंग फीस और प्रोसेसिंग फीस का जो जीएसटी वो दोनों मिला करके आपको काट करके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। और लोन जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से अप्लाई करना है, मैंने उस पर एक अलग से वीडियो बनाया है, जो कि उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना है। लेकिन आप जैसे ही अप्लाई करते हैं तो 48 आवर के अंदर आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दिया जाता है। लोन लेते हैं तो आपके साथ कोई भी गलत नहीं होगा, बहुत सारे लोगों ने पैसे लिया है और ये ट्रस्टेड कंपनी है, कोई ऐसा कंपनी नहीं है जो आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाएगा, तो इसके लिए आप फिक्र है। आपको अगर जरूरत है लोन लेने का तो आप लोन ले सकते हैं, वही है कि 32% इंटरेस्ट रेट है और यहाँ पे 4% प्रोसेसिंग फीस। ये जो दोनों है काफी ज्यादा हाई हो जाता है, 4% प्रोसेसिंग फीस पे इस पे जीएसटी भी लग रहा है और 4% प्रोसेसिंग फीस भी बहुत ज्यादा होता है प्लस 32% इंटरेस्ट रेट। तो ये चीज आप जान ले फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज आप देख ले कि इंटरेस्ट रेट आपको आपके लिए बेहतर है या नहीं है, 32% आप इंटरेस्ट रेट पे करने के लिए सहमत है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो कि 48 आवर के अंदर आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। और किस तरीके से अप्लाई करना है, आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो मैंने इस पे एक अलग से वीडियो बनाया, जो कि उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप सीख सकते हैं और आप लोन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपके मन का सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और आपको लोन का ऑफर आया है या नहीं आया मुझे कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।